मान लेता हूँ कि मैं आप सेमेस्टर वन में हो या थ्री में हो या फाइव में हो और प्रमोट हो जाते हो, तो आपको क्या क्या दिक्कत होगा? किन सेमेस्टर वालों का एक साल का बैक लग जाता है, वन वालों को या थ्री वालों का या फाइव वालों का? सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सेमेस्टर वन थ्री फाइव में अगर स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाता है तो उसे क्या क्या चीज़ों पर नुकसान होगा। तो फर्स्ट नंबर पर मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि किस स्टूडेंट्स को एक साल का पीछे होना पड़ता है अगर आप सेमेस्टर वन में हो या थ्री में हो या फाइव में हो और प्रमोटेड हो जाते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किन सारे स्टूडेंट्स को एक साल का पीछे होना पड़ता है, एक साल का बैक लग जाता है। दूसरा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस कारण से लोग प्रमोट हो जाते हैं और इससे हम बचे कैसे, प्रमोट होने से हम बचें कैसे। ठीक है, थर्ड मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रमोटेड होने पर कितना पेपर एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि प्रमोट हो गए तो एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, तो कितना पेपर का फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न के लिए कितना मार्क्स चाहिए, सेकंड डिवीज़न के लिए कितना मार्क्स चाहिए और थर्ड डिवीज़न के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो चलता हूँ मैं एक एक करके आप लोगों को मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस स्टूडेंट्स को एक साल का पीछे होना पड़ता है। तो देखो, सेमेस्टर फाइव वालों को एक साल का पीछे होना पड़ता है, वन और थ्री वालों को नहीं होना पड़ता। इसका मैं रीज़न भी बताऊँगा, लेकिन मैं पहले आप लोगों को एक का करके चर्चा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो किस स्टूडेंट्स को एक साल का पीछे होना पड़ता है? तो सेमेस्टर फाइव वालों का एक साल का पीछे होना पड़ता है। इसका मैं रीज़न भी बताऊंगा आप लोगों को, वीडियो को अंत तक देखना। दूसरा मेरा क्वेश्चन था किस कारण प्रमोटेड होते हैं और इससे हम बचे कैसे हैं। तो देखो, प्रमोटेड होने का मेन रीज़न क्या होता है, या तो स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर गलती लिखा होगा, या तो अपना नाम वगैरह गलती लिखा होगा, कोई ना कोई अपना उसमें जो हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन भरते हैं, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीज़ें बहुत सारे भरते हैं, तो वहाँ भरने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, गोल करना पड़ता है, तो बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई टेंथ क्लास या इलेवंथ क्लास है कि उसमें सिर्फ नाम लिख देंगे, नाम लिखने के बाद भी उसको सही सिम्बॉल पर सर्कल करना पड़ता है, गोल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रमोटेड का रीज़न है। और दूसरा प्रमोटेड का रीज़न है कि स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के ना जाना। अब देखो, अगर 100 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं ना, तो 100 को 100 नहीं पढ़ के जाते हैं। ठीक है, फिर भी जो नहीं पढ़ के जाते हैं वो भी पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ के जाते हैं फिर भी प्रमोट हो जाते हैं। तो देखो, पढ़ के जाने के बाद भी क्या होता है पता है, उन लोग एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देते हैं ना कि आने वाला 3 घंटा में वो लोग क्वेश्चन पूरा भर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, उनका हाथ स्पीड से चलता ही नहीं है। ठीक है, तो प्रयास ये करना कि जब फर्स्ट टाइम लिखे ना तो आंसर सटीक हो, बढ़िया हो, ताकि एग्जामिनर फर्स्ट टाइम पढ़ करके आपका समझ जाए कि आप कितना पढ़े हो, फिर आगे आपको उसी हिसाब से नंबर मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम गलत लिखे हो तो शायद पीछे का नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद ये होता है कि इसमें देखो, आप कितना सही लिखे हो, कितना गलत लिखे हो, ये तो मायने रखता ही रखता है। इसके बावजूद इसमें ये भी मायने रखता है कि आपका राइटिंग कैसा है और आपने कितना पेज भरा है। तो ये सब चीज़ों से भी स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आप प्रमोट से बचे कैसे, तो बस ये सब चीज़ों को आपको सुधारना है, बाकी प्रमोट से बच जाओगे। आपका एग्जाम होने से पहले आप लोग पढ़ लो, बहुत लोग क्या करते हैं एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ के जाते हैं, ये गलती है आप लोगों का। ठीक है, तो प्रमोट होने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, आप लोग को लग रहा होगा कि कोई दिक्कत नहीं होता, ऐसा बात नहीं है। आगे नेक्स्ट क्या था कि प्रमोटेड होने पर कितना पेपर एग्जाम देना होगा। तो देखो, प्रमोटेड होने पर कितना एग्जाम का पेपर देना पड़ेगा, अगर आप ऑनर्स पेपर में प्रमोट हो गए हैं, जो आपका ऑनर्स पेपर है, मेन सब्जेक्ट जो आपका है, उसमें अगर आप प्रमोट हो जाते हैं तो आपका सारा सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, ऑनर्स का, जनरल का, सेक का, जितने सारे सब्जेक्ट आपका होते हैं, अगर आपका टोटल 6 सब्जेक्ट है, 5 है, 4 है, जितना टोटल सब्जेक्ट है सबका एग्ज़ाम आपको फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लो वो मेन पेपर को छोड़ करके आप कोई दूसरा पेपर में फेल हो जाते हो, प्रमोट हो जाते हो, ठीक है, तो बस जो पेपर में आप प्रमोट हुए हैं बस उसी पेपर को आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, ऑनर्स में हो जाओगे तो सारा देना पड़ेगा, लेकिन आप दूसरा सब्जेक्ट में अगर प्रमोट हो जाते हैं तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, अब पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही अच्छा डिटेल्स में सेमेस्टर 1, 3, 5 वालों को पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए और फर्स्ट डिवीज़न के लिए कितना मार्क्स चाहिए, सेकंड डिवीज़न के लिए कितना मार्क्स चाहिए और थर्ड डिवीज़न के लिए कितना मार्क्स चाहिए। अब देखो, मैं थोड़ा सा मैं और कुछ पॉइंट पर चर्चा करना चाहता हूँ कि सेमेस्टर वन वालों और थ्री वालों और फाइव वालों, इनमें से सेमेस्टर फाइव वालों को एक साल का बैक लग जाता है, वन थ्री का क्यों नहीं लगता, फाइव का क्यों लग जाता है, मैं बताता हूँ। देखो,
सेमेस्टर वन में मान लो कोई प्रमोट हो गया तो वो सेमेस्टर टू में तो चल जाएगा। देखो प्रमोट का मतलब हो गया कि स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाएगा, लेकिन पिछला वाला एग्जाम फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेमेस्टर वन वाला प्रमोट हो जाएगा तो सेमेस्टर टू में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थ्री भी बढ़ेगा, फोर भी बढ़ेगा। जब कोई पीछे वाला स्टूडेंट्स वालों का जब एग्जाम होगा सेमेस्टर वन में, तो ये उस टाइम में सेमेस्टर वन वाला फिर से एग्जाम दे देगा, तो इनका एक साल बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये थ्री फोर फाइव आगे चलते जाएंगे, और पीछे जो प्रमोट हो जाएगा वो पीछे वाले सेशन वाले जो स्टूडेंट्स लोग आते जाएंगे, तो उन लोगों का जब एग्जाम होगा तो उसी टाइम ये एग्जाम दे देंगे, तो इसका प्रमोटेड होने का कोई भी एक साल का बैक नहीं लगेगा। अब सेमेस्टर थ्री में क्या होता है, अगर आप सेमेस्टर थ्री में प्रमोट हो गए तब आप फोर में चले जाओगे, फाइव में भी चले जाओगे, सिक्स में भी चले जाओगे, और फिर तब तक पीछे वाले स्टूडेंट जब सेमेस्टर थ्री में आएंगे तो आप सेमेस्टर थ्री वालों के साथ एग्जाम दे दोगे, तो आपका जो प्रमोट है वो खत्म हो जाएगा, मतलब आप पास कर जाओगे। तो सेमेस्टर वन और थ्री वालों को कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि प्रमोट होने से भी तो खर्चा होती है ना। फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर पर जाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड लेना है, बहुत सारे वगैरह वगैरह दिक्कतें होती है, ठीक है। लेकिन सेमेस्टर फाइव में अगर आप प्रमोट हो जाओगे तो एक साल आपको रुकना पड़ेगा। क्यों, देखो आप सेमेस्टर फाइव में प्रमोट हो गए, आप सेमेस्टर सिक्स में चल जाओगे, ठीक है। अब सेमेस्टर सिक्स का भी आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है, अब आपको नया कहीं एडमिशन लेना होगा। अब देखो नया एडमिशन लेना होगा, लेकिन नया एडमिशन लोगे कैसे, आपका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हुआ नहीं है, सेमेस्टर फाइव में तो बैक लगा हुआ है। अब आप बोलोगे कि सेमेस्टर फाइव वाले जो पीछे से स्टूडेंट जाएंगे उनके साथ एग्जाम दे देंगे, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेमेस्टर थ्री में जो भी स्टूडेंट्स हैं ना वही जाएंगे सेमेस्टर फाइव में, तो उन लोगों के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फिर से देना पड़ेगा। तो जब आपका सेमेस्टर सिक्स खत्म हो जाएगा ना, तब सेमेस्टर थ्री वाले फाइव में जाएंगे। मतलब क्या कि आपका सेमेस्टर सिक्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के बाद फिर सेमेस्टर थ्री वाले धीरे फिर फोर में जाएंगे, फोर वाले फिर फाइव में जाएंगे, फिर फाइव का एग्जाम होगा, तब फिर उन लोगों के साथ एग्जाम भरोगे। मतलब आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पीछे वाले स्टूडेंट जब सेमेस्टर फाइव में आएंगे तब ना आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। ऐसा थोड़ी ना होता है टेंथ ट्वेल्थ के जैसा कि जो प्रमोट है उसको अलग से एग्जाम लिया जाएगा, नहीं, पीछे वाले स्टूडेंट के साथ ही लिया जाएगा। तो पीछे वाले सेमेस्टर फाइव में आएगा तब तक आपका सेमेस्टर सिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेमेस्टर फाइव में या तो फिर सिक्स में अगर आप लोग प्रमोट हो जाते हो, यानी कि थर्ड ईयर में अगर प्रमोट हो जाते हो, तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा, इसलिए एग्जाम का तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दो अगर आप लोग चाहते हो कि प्रमोट ना हो तो, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय।